वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पुदीना और हरा धनिया की चटनी। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा धनिया, इसको हम कट करके मिक्सर जार में डालेंगे, और लिया है थोड़ा पुदीना, इसको भी हम कट करके जार में डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक स्मॉल साइज़ की प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें, 4-5 लहसुन की कलियाँ। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, बट आपको नहीं पसंद है तो आप रहने दें। इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़े से डालेंगे हम इसमें ये सेब, इससे क्या होता है जो आपकी चटनी है उसका रंग काला नहीं पड़ता है और काफ़ी अच्छा इसका कलर आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो ढक्कन लगा देंगे, और चलिए चलते हैं इसे ग्राइंड करने के प्रोसेस पर। तो अब हम चटनी को करेंगे ग्राइंड, तो हम इसे पल्स मोड पर ही ग्राइंड करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, इससे भी जो आपकी चटनी है वो काले होने से बच जाती है। बट अगर आप सेब डालेंगे तो आपकी चटनी काफ़ी लंबे टाइम तक काली नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारी चटनी पिसकर एकदम तैयार है। हम इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका एकदम परफेक्ट टेक्सचर है। अगर आपकी चटनी थोड़ी थिक हो जाए तो आप थोड़ा पानी डालकर उसको दोबारा पीस लें। तो हम चटनी को सर्व कर लेते हैं एक बर्तन में, और हमारी हरा धनिया और पुदीने की चटनी बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।